नमस्कार। कक्षा 12 के सिलेबस में डे 183 में वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं हम, और लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है वेव ऑप्टिक्स को। थोड़ा सा पार्ट बाकी है जो हम करेंगे आगे। आज हम टॉपिक कर रहे हैं इसमें विवर्तन। हमने कल पढ़ा था कि विवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं, और विवर्तन के प्रकार क्या है। दो प्रकार हमने उसमें पढ़े थे, एक फ्रेनल विवर्तन, एक फ्रानहोफर विवर्तन। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेनल क्या होता है, जिसमें प्रकाश स्रोत और स्क्रीन दोनों बीच में क्या होती है, स्लिट होती है, पर्दे से सीमित दूरी पर होती है, निश्चित दूरी पर होती है, उसे कहते हैं फ्रेनल विवर्तन। और जिसमें प्रकाश स्रोत और पर्दा अनंत पर होता है, उसे कहते हैं फ्रानहोफर विवर्तन। तो उसमें जो प्रकाश तरंगे आपतित होती हैं वो अनंत से आती हैं, दूसरा यानी स्रोत जो है वो बहुत अधिक दूरी पर होता है, दूसरी बात पर्दा जो होता है वो भी कहाँ पर रहता है, अनंत पर। तो अनंत पर तो प्रतिरूप प्राप्त होगा, वो हम उसको नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे, हम बीच में एक लेंस लगा देंगे। उसके लिए हमने इसको डिफाइन किया था, तब लिखा था उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे वही बात करने वाले हैं, एकल रेखा छिद्र से फ्रानहोफर विवर्तन। और ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और खासकर 2021 के लिए इसके आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। तो इस टॉपिक को, इससे पहले भी दो टॉपिक के बारे में बताया था बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 2021 बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है सबसे ज्यादा इस टॉपिक में। अब आगे इसमें बात करते हैं टॉपिक बारे में, ध्यान से समझ लेना इसे। थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को इस टॉपिक, थोड़ा सा ऐसा ही है कि कंडीशंस जो लेते हैं उसके अंदर हम वन बाय वन बात करेंगे इसके अंदर कि कैसे। एकल स्लिट तो हमने पढ़ लिया, एकल रेखा छिद्र एक छिद्र होता है, उससे विवर्तन कैसे प्राप्त होता है। फ्रानहोफर है तो हमें पता है प्रकाश स्रोत कहाँ पर है, अनंत पर है, ठीक है, और पर्दा जो है वो कहाँ पर है, अनंत पर है, उसके लिए लेंस का प्रयोग कर लिया जाता है। देखो सामान्यतः प्रकाश किरणें कहाँ से आती है, अनंत से आती है इसके अंदर, ठीक है, अनंत से आती है। जब हम एक्सपेरिमेंटली बात करें तो अनंत से प्रकाश, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें कहीं प्रॉपर वे में प्रॉपर जगह पर हम कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रकाश स्रोत लेना पड़ता है, तो उसको भी हम अनंत की तरह बिहेव करवा सकते हैं। कैसे कि अगर निश्चित बिंदु पर है तो गोलीय तरंग अगर उत्सर्जित होते हैं, उसके आगे लेंस लगा दें उत्तल लेंस, तो वो उसको क्या कर देगा, बिंदु पर वो अगर उसको फोकस पर रख दिया जाए प्रकाश स्रोत को, तो वो उसको क्या कर देगा, प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद समांतर कर देगा। जैसे अगर ये स्थितियां हैं कि इधर से अनंत से आ रही है प्रकाश किरणें, तो यहाँ ये फोकस बिंदु पर फोकसित हो जाएगी। अगर ये प्रकाश ही फोकस बिंदु पर है, प्रकाश स्रोत यहाँ से प्रकाश किरणें इस तरह से जा रही है गोलीय तरंग के किरणों में, तो इससे जाने के बाद क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। तो हमें अनंत से प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकाश स्रोत बिंदु समान है उसके आगे एक लेंस लगाएंगे। तो इसमें कितने लेंस लिए जाते हैं, प्रायोगिक सत्यापन के लिए दो लेंस ले लिए जाते हैं। दोनों लेंसों का यूज करते हुए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो पहले इसका डायग्राम की बात करते हैं हम इसमें। थ्योरी कोई इसके अंदर ज्यादा नहीं है, डेरिवेशन भी कुछ ज्यादा नहीं है, इसका कंसेप्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट उसकी बात करते हैं हमें। यहां मान लेते हैं प्रकाश स्रोत है एस, यहां से गोलाकार तरंगाकार उत्सर्जित हो रहे हैं, इनके लंबवत खींची गई जो स्पर्श जो रेखा है इनके लंबवत, उसको प्रकाश किरण कहते हैं, ये प्रकाश किरण। इसके सामने यहां पर हम एक लेंस रख देते हैं उत्तल लेंस, इसको नाम दे देते हैं L1। यहां से जो प्रकाश किरण जा रही है वो किसमें से जा रही है, ये जो प्रकाश स्रोत है वो इस लेंस की फोकस बिंदु पर है, तो यहां से गुजरने के बाद में ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। यहां आगे रख दिया है एकल स्लिट, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है ये एकल स्लिट है,
स्लिट के जो बीच की दूरी है इसको हम लेते हैं स्मॉल डी, जैसा हमने व्यक्तिगण में बात की थी स्मॉल डी, ये स्मॉल डी है। यहां से ये प्रकाश किरण जाएंगी, अब क्या आ रही है समांतर आ रही है, यहां इनको एक जगह फोकसित करने के लिए फिर किसकी आवश्यकता रहती है, लेंस की। फिर यहां क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस। यहां से ये अपवर्तित होकर इसके फोकस बिंदु पर पहुंच गए, ये यहां रखा है पर्दा स्क्रीन। अब देखो इसको, अब समझ ले पहले, ये एल टू लेंस है, ये इसका द्वारक है, छिद्र है, झीली कहते हैं इसको, ए बी है, क्लियर। जो ध्यान से थोड़ा सा हम समझेंगे तो बिल्कुल सिंपल है डायग्राम, भी मुश्किल नहीं है, वन बाय स्टेप अगर समझेंगे तो हमें एक्चुअली पता चल जाएगा क्या चीजें हैं सारी। सबसे पहले दोबारा बात कर लेते हैं इसकी, प्रकाश स्रोत है, गोलाकार तरंग अगर उत्सर्जित होते हैं लेंस L1 से गुजरने के बाद में वो कैसे हो जाते हैं, समतल हो जाते हैं, ये समतल तरंग आगे, ठीक है, इसके इस तरह से ये तरंग आगे, और बेलन ये जो जो प्रकाश किरण है वो इसके लंबवत होते हैं। अब यहाँ बात करें ए बी से, यहाँ से गुजरने वाले इसी तरह से सीधे समतल के रूप में आगे बढ़ेगा प्रकाश, और यहाँ इससे लेंस L2 पर जब आपतित होगा तो इसका अपवर्तन होगा, और उत्तल लेंस है ये, तो क्या करेगा ये अभिसारित कर देगा, अभिसारित कर देगा, तो एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है प्रकाश किरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ से जो प्रकाश किरण पहुंच रही है अपवर्तित होकर वो भी उतनी दूरी तय कर रही है, यहाँ से पहुंच रही है वो भी उतनी दूरी तय कर रही है, क्योंकि ये जो बिंदु O है ये इन दोनों के बिल्कुल मध्य में स्थित है, तो ये प्रकाश किरण जितना देर में आप पहुंचेगी उतनी देर में ये पहुंचेगी, एक साथ पहुंच रही है, एक साथ पहुंच रही है, इसका मतलब समान कला में अध्यारोपित हो रही है, ठीक है, फेज डिफरेंस जीरो है इनके अंदर, कालांतर जीरो है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उच्चिष्ट प्राप्त होगा, चमकीला बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, यहां पर हमें प्रकाश दिखाई देगा, इस तरह से प्रकाश जो है वो ये जो भाग है यहाँ हमें प्रकाश दिखाई देगा, ठीक है, समझ रहे आगे बात। विवर्तन और व्यतिकरण दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, हम बाद में अंतर की बात करेंगे इसके अंदर कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रकाश किरण हर समय यही फोकसित होगी, प्रकाश तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, नीचे भी आएगा, सब जगह आएगा प्रकाश, तो सब जगह आरोपित होगा। तो अब अगली सिचुएशन क्या है, अगली सिचुएशन ये है कि प्रकाश कोई जरूरी है यहाँ सीधा इस पर भी, यहाँ पर भी आपतित होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आपतित होगा, प्रकाश मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से आपतित हो रहा है, क्लियर, और यहाँ से भी सभी भागों में जा रहे हैं, जो हम ऊपर बढ़ा रहे हैं वैसे नीचे भी है, इधर भी है, ठीक है, समझने के लिए हम थोड़ी कम चीजें बढ़ाएंगे डायग्राम। अब यहाँ से क्या होगा, अपवर्तन के बाद में ये फोकसित होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से ये देखें तो ये इसके मध्य की दूरी d है, यहां से भी प्रकाश पहुंच रहे हैं, ये इस तरह से सीधा पहुंचे हैं। अब देखो क्या स्थितियां होगी, इसको नाम दे देते हैं p1 बिंदु। अब यहां से पहुंचने वाले प्रकाश में और यहां से पहुंचने वाले प्रकाश में पथांतर होगा, होगा होगा ना, पथांतर, इसकी डिस्टेंस अलग होगी, इसकी डिस्टेंस अलग होगी। अब वो पथांतर डिसाइड करेगा, जैसा हमने पढ़ा है कि पथांतर और कालांतर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो उन पे निर्भर करता है कि वहां संपोषी की स्थिति होगी या विनाशी की स्थिति होगी, वहां चमकीला बिंदु दिखाई देगा या काला बिंदु दिखाई देगा, चमकीले का मतलब वहां प्रकाश दिखाई देगा या वहां अंधेरा दिखाई होगा, ठीक है, यहाँ प्रकाश क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक समान कला में अध्यारोपित हो रहे हैं प्रकाश किरण, इसीलिए अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग का यहाँ अधिकतम होता है, तीव्रता अधिकतम होती है, तीव्रता अधिकतम होती है तो वहां पर प्रकाश अधिक होता है, क्लियर। अब यहाँ वाली बात जो आ गई ये पी वन बिंदु की बात करें, या इससे ऊपर भी देखें कोई पी टू बिंदु है, कोई पी थ्री बिंदु है, कोई यहाँ देखें कोई नीचे भी बिंदु है,
वो सब जगह है, सारी बात किस पे निर्भर करेगी, वो एक जैसी बात है जो हम इस बात के लिए इसके लिए सोल्व कर लेंगे, वही बात इसके लिए यहाँ कोई बिंदु होगा उसके लिए आएगी, यहाँ होगा वो उसके लिए आएगी, यहाँ होगा, तो सारी बात किस पे डिपेंड करेगी, पथांतर पे डिपेंड करेगी। क्लियर? पथांतर में हम क्या लेते हैं कि लैम्डा होता है तो संपोषी होता है व्यतिकरण, व्यतिकरण में जो बात की थी 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा क्या होता है, संपोषी होता है। लेकिन यहाँ विपरीत कंडीशन है, यहाँ जब लैम्डा पथांतर होता है, ध्यान रखना ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है यही, यहाँ जब लैम्डा पथांतर होता है तो संपोषी नहीं होता, विनाशी अध्यर्पण होता है। अब वो विनाशी क्यों होता है उसकी बात सुनते हैं। अब देखो यहां से प्रकाश किरण चल रही है, यहां से इसको डॉटेड से बना देता हूं मैं, तो आपको पता रहे कि हम ये अलग स्थिति ले रहे हैं बिंदु पे की। अब क्या करें, पथांतर कैसे निकालते हैं व्यतिकरण में भी, हम उससे कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हम सोल्व कर चुके हैं, वही कैलकुलेशन का यहाँ यूज हो रहा है। अगर उसे रिलेट कर लेंगे तो आगे से ज्यादा चीजें हमें वैसे ही पता चल जाएगी, एग्जैक्ट वैसे ही कर रहे हैं। उसमें भी यही किया था, मध्य बिंदु लिया था, समाज दूरी से पहुंचेगी, ऊपर बिंदु लिया कि यहाँ से एक्स दूरी है, यहाँ से एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो ये पथांतर लंब डाल दिया, वो पथांतर हो गया। वो पथांतर अगर लैम्डा है या एन लैम्डा ही फॉर्म में लिया था, अगर एन लैम्डा है तो संपोषी होगा, 2n+1 × λ/2 है तो विनाशी होगा। और उसके लिए हमने विस्थापन निकाल लिया वाई के लिए, पहली फ्रिज के लिए n का 1 रख दिया, दूसरी के लिए 2 रख दिया, और y2 − y1 निकाल लिया, वो फ्रिज चौड़ाई आ गई। वही बात विनाशी के लिए करी थी हमने, वाई का मान निकाल लिया था, 2n+1 × λ/2 की फॉर्म में n का मान 1 रखा, तो पहली काली फ्रिज का विस्थापन 2 रखा, तो दूसरी काली फ्रिज का विस्थापन, और फिर डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन में अंतर ले लिया, जो क्या होता है फ्रिज चौड़ाई होती है। तो वो बातें वहां की थी, वही बात यहाँ पर भी वही बात लागू हो रही है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी अलग कंडीशन है कि ये प्रकाश किरण वहां पहुंच रही है, तो वो सारी बात किस पे डिपेंड करेगी, पथांतर पे। और उसके लिए हम क्या करें, इसमें लंब डाल दें, ये बिंदु मान लेते हैं n है, लंब डाल दिया ये a से n, आगे बात समझ लें ये लंब है, ठीक है, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ये कर्ण हो गया ना, ये एंगल कितना है यहाँ, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हुआ यहाँ, थीटा ही होगा, ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ थीटा, ठीक है। अब देखो ये हो गया पथांतर, ये है पथांतर, ये पथांतर क्या है, बीएन है, बीएन, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो सेम डिस्टेंस कवर हो रही है, तो सारी बात किस पे डिपेंड करेगी, पथांतर पे डिपेंड करेगी। अगर पथांतर लैम्डा है तो उसके अनुसार रिजल्ट आएंगे, पथांतर 3λ/2 है तो उसके अनुसार रिजल्ट आएंगे, 5λ/2 है तो एक विनाशी वाली एक संपोषी वाली। यहां कैसी स्थिति होगी, अब देखो जब इसका जो मान ले, अगर वो पथांतर मान लेते हैं कितना है, लैम्डा है, अगर लैम्डा है तो वो लैम्डा देखो इसके कारण ये जो भाग है ये दो भागों में विभाजित हो रहा है, आधा इस भाग में आधा इस भाग में, दो भागों में विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, पथांतर लैम्डा है तो लैम्डा में एक तरंग पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है एक तरंग, ठीक है, एक तरंग पूरी हो जाती है। डायग्राम का आपको ध्यान रखना है, डायग्राम आपको प्रॉपर बनाना है, क्योंकि डायग्राम से पता चल जाएगा कि आपने गलती की है या नहीं की, डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण। तो अब देखो ये जो लैम्डा है ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, दिस इज λ/2 एंड ऑल्सो दिस λ/2, तो λ/2 में देखो एक ये यहां से जो भाग जाएगा वो ऊपर का भाग जाएगा इस तरह से, क्लियर। यहाँ जो भाग जाएगा वो किस तरह का भाग जाएगा, नीचे का पार्ट जाएगा, यहाँ से जब अध्यारोपण होगा तो ये कौन से पार्ट में अध्यारोपण हो गया, एक ये भाग जा रहा है और एक ये भाग जा रहा है, तो कौन सा अध्यारोपण हुआ, विनाशी अध्यारोपण हुआ, विपरीत कला हो गई ना। तो यहाँ इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, ये उसके भाग में डिवाइड हो जाएंगे, आगे बात समझ में, कैसा होगा विनाशी अध्यारोपण की स्थिति इसके अंदर हो जाएगी, विनाशी अध्यारोपण की स्थिति, विनाशी अध्यारोपण की स्थिति होगी तो यहाँ पर कैसा बिंदु प्राप्त होगा, काला बिंदु प्राप्त होगा, यानी अंधेरा प्राप्त होगा, उसको कहेंगे निम्निष्ठ, इसको क्या कह रहे हैं उच्चिष्ठ, और इसको क्या कहेंगे निम्निष्ठ,
ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद मान लो इसके आगे का बिंदु ले रहे हैं हम P2 ले रहे हैं P2, तो उस पर भी प्रकाश इधर से पहुंचेगा इधर से पहुंचेगा, तो बात फिर वही किस पे आएगी, पथांतर पे। क्लियर, किस पे आएगी, पथांतर पे। इसका जो पथांतर है वो मान लेते हैं 3λ/2 है, ये 1λ था, ये 1.5λ है, डेढ़ हो गया ना, 3/2 1.5λ है। तो उसी स्थिति में क्या होगा, उसी स्थिति में यहाँ पर अध्यारोपण जो है वो किस प्रकार से होगा, तो वो यहाँ जो 3λ/2 है वो किस में डिवाइड हो जाएंगे, λ/2 और λ/2 में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो इस तरह की कंडीशन आएगी कि λ/λ और यहां से देखें तो ये λ। अब ये जो λ/2 है ये एक्स्ट्रा पहुंचेगा वहां, एक्स्ट्रा पहुंचेगा। जो देखो ये तो विपरीत कला में हो जाएगा, एक के इसके विपरीत कला में हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये एक जो भाग है वो एक्स्ट्रा है, कौन सी कला में, वो समान कला में। तो ये वहां क्या उत्पन्न करेगा, ये वहां चमक उत्पन्न करेगा, प्रदीप्ति उत्पन्न करेगा, प्रदीप्ति का मतलब प्रकाश उत्पन्न करेगा। क्लियर, तो वहां पर क्या मिलेगा, यहाँ उच्चिष्ट मिलेगा, क्या मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा जाता है कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए व्यंजक लिखिए। व्यंजक में कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कैलकुलेशन भी बिल्कुल ईजी हो जाएगी। हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर लैम्डा वाली स्थिति है, 2λ वाली स्थिति है, n λ वाली स्थिति है, तो जहां व्यतिकरण में हम संपोषी लेते हैं वो यहाँ क्या स्थिति देगा, विनाशी स्थिति देगा। क्लियर, क्यों देगा, क्योंकि वो यहाँ कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ देखें 3λ/2 तो ये कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, तीन भागों में। इस पर मैं एक बार और बढ़ा के बता देता हूँ कि ये स्लिट है, ये भाग है, ये डी है, डी कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, यहाँ से ये तीन भागों में विभाजित हो जाएगा, कि एक भाग ये, दूसरा और ये तीसरा, ये हो गया λ/2, ये हो गया λ/2, ये हो गया λ/2। तो यहां से क्या होगा, इसमें एक भाग होगा, ठीक है, इसमें ये वाला भाग होगा, इसमें तीसरे में ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग होगा। क्लियर, तो यहां क्या होगा, ये तीसरे भाग में ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, तीसरी एक वैल्यू λ/2 और अतिरिक्त होगा। जो अतिरिक्त होगा वो क्या दे देगा, संपोषी अध्यारोपण की स्थिति दे देगा, वो अलग से वहां पर चमक उत्पन्न, प्रदीप्ति प्रकाश उत्पन्न करेगा। इसीलिए ध्यान हमें क्या रखना है कि लैम्डा 2λ या n λ की स्थिति होगी तो कौन सी स्थिति होगी, विनाशी की स्थिति होगी, और जब ये हाफ वाली स्थिति होगी 3/2 5/2 लैम्डा, और इसको हम लिखेंगे 2n+1λ/2। तो ये कैसी स्थिति होगी, ये संपोषी की स्थिति होगी। अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। ये जो इसके अंदर डायग्राम बनाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये डायग्राम अगर आप सही बना लेते हो तो मैक्सिमम पार्ट हो जाता है, उसके बाद उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्योरी में इसमें क्या लिखना है आपको, जब बिंदु समान प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित गोलाकार तरंगागर को किस पर, उत्तल लेंस L1 पर आरोपित किया जाता है, ठीक है, तो वे समतल तरंगागर के रूप में प्राप्त होते हैं। समझ आ गया पहली लाइन, जब बिंदु समान प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित गोलीय तरंगागर को लेंस L1 पर आरोपित किया जाता है तो वे समतल तरंगागर के रूप में प्राप्त होते हैं। जो एकल झिरी, एकल स्लिट, सिंगल स्लिट AB पर आपतित होते हैं, जहां से आगे लेंस L2, उत्तल लेंस L2 पर आरोपित कराया जाता है, उसके पश्चात बिंदु O पर ये एक समान कला में अध्यारोपित होते हैं। अतः
यहाँ पर उच्चिष्ट प्राप्त होता है जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, केंद्रीय सेंटर में होता है जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। क्लियर, इतनी बात हम इसमें करेंगे। उसके बाद दूसरी बात इनिष्ट की, तो बिंदु P पर A तथा B से चलने वाली प्रकाश किरणें बिंदु P1 पर पहुंचती हैं, जिनमें पथांतर Bn यदि लैम्डा हो, यदि पथांतर लैम्डा हो तो उस स्थिति में यह A, इस पॉइंट को दे देना कुछ भी KC तथा CB, इसमें लैम्डा बाय टू में विभक्त होगा, जिससे वहां अध्यारोपण के पश्चात विनाशी की स्थिति प्राप्त होती है और वहां अंधेरा बिंदु या अदीप्त बिंदु या प्रकाशहीन स्थिति दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें दो स्थितियां हम लिखेंगे, उच्चिष्ट के बारे में, निम्निष्ट के बारे में। तो ये तो आ गया केंद्रीय उच्चिष्ट, इसके बाद आएगा क्या, निम्निष्ट, उसके बाद क्या आया उच्चिष्ट, उसके बाद क्या आया निम्निष्ट। इसी तरह हमने ऊपर की तरफ बढ़ा लिया, इस डायग्राम को नीचे की तरफ भी बढ़ा सकते थे और दोनों भी बढ़ा सकते थे, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन जो स्थिति हम इधर समझेंगे वो इधर समझेंगे, इतनी लाइनें और खींच देंगे इसके अंदर तो फिर उसको समझना थोड़ा काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम एक तरफ भी ले रहे हैं, इधर भी लेंगे तो भी वही स्थिति आएगी, समझ रहे हैं बात। ऊपर जो वैल्यूज ले रहे हैं वही बातें किधर आएगी, नीचे की तरफ भी वही बातें आएंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, वो आप इसमें ध्यान रखें, फिर आगे हम बात करेंगे। देखो इसमें सिद्धांत में हमें ये लिखना है, जैसे लिख दिया मैंने, बिंदु ए व बी से पी पर पहुंचने वाली, जैसे हमने बात की थी, पी पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर शून्य होने के कारण केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। पी ये है, ए और बी ये है, समझ लें, ए व बी से पी पर पहुंचने वाले, क्योंकि यहां से भी उतना ही प्रत्यय होगा, यहां से भी उतना ही प्रत्यय होगा, क्योंकि ये बिल्कुल केंद्र में मध्य बिंदु है, इसलिए पथांतर क्या होगा शून्य होगा। इसके कारण यहाँ क्या होगा, एक ही कला में पहुंचेगी तो उच्चिष्ट प्राप्त होगा, तीव्रता अधिकतम होगी और दीप्त बैंड कह सकते हैं इसको, दीप्ति दिखाई देगी। दूसरी बात, इसके दोनों ओर अदीप्त व दीप्त बैंड प्राप्त होंगे, इसके दोनों ओर मतलब इसके ऊपर और नीचे चमकीले और काले भाग जो है हमें दिखाई देंगे। हाइगर के सिद्धांत से पथांतर के कारण पी वन व पी टू पर क्रमशः निम्निष्ट व उच्चिष्ट प्राप्त होंगे, क्रमशः P1 पर निम्निष्ट आएगा, इसके बाद उच्चिष्ट आएगा, फिर एकांतर क्रम में चलते रहेंगे। इसीलिए पथांतर के कारण, क्योंकि यहां से देखें तो इसमें पथ में अंतर आ जाएगा, उसके कारण अब वो पथांतर पे डिपेंड करेगा। अब हमें दो बातें बतानी है, निम्निष्ट का सूत्र क्या होगा और उच्चिष्ट का सूत्र क्या होगा। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, एक संपूर्ण त्रिभुज हमें दिख रहा है, इसमें पथांतर Bn लेंगे, लैम्डा और 3λ/2 ले लेंगे बस। अब हमें पता होना चाहिए लैम्डा किसके लिए होता है, यहाँ विनाशी के लिए होता है, विनाशी होगा तो हम निम्निष्ट बने, हम यहाँ विनाशी नहीं कह रहे उसको, हम उसको क्या कह रहे हैं, निम्निष्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, निम्निष्ट के लिए ए से पी वन पर पहुंचने वाली तरंग और बी से पी वन पर पहुंचने वाली तरंग, इनके मध्य पथांतर क्या है, बी एन बराबर लैम्डा। क्लियर, Bn बराबर लैम्डा। अब इसके लिए हम रिलेशन निकाल लें D की फॉर्म में, तो ये है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A B N से, समकोण त्रिभुज A B N से क्या आएगा, A B N से साइन थीटा लें तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, हमें तो पथांतर पे हमें पता है ना, पथांतर तो हमें पता है Bn। अब Bn पे रिलेशन ले लें, उसकी जगह लैम्डा रख दें, आ जाएगी समीकरण बस। तो यहाँ से लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है Bn है और कर्ण कितना है D है और Bn का मान क्या है लैम्डा है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन
क्या लिख देता हूं, लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन डी आ गया। किसके लिए ये, किसके लिए ये, ये प्रथम निम्निष्ट के लिए, किसके लिए, प्रथम निम्निष्ट के लिए, यानी बीच में तो उच्चिष्ट टायर है, उसके बाद तो ये पहला ही है निम्निष्ट, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रथम निम्निष्ट। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, प्रथम निम्निष्ट के लिए। अब पूछ ले भी आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ गए, द्वितीय निम्निष्ट के लिए सूत्र लिखो, तो द्वितीय निम्निष्ट के लिए क्या आ जाएगा, अगले में क्या आएगा, टू लैम्डा आएगा, क्या आएगा, टू लैम्डा आएगा, ठीक है, टू लैम्डा आएगा, तो यहाँ टू लैम्डा रख देंगे, अगले में क्या आएगा, थ्री लैम्डा आएगा, अगले में क्या आएगा, फोर लैम्डा आएगा। थोड़ा सा साइन तो लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू टू लैम्डा बाय डी, किसके लिए, किसके लिए, द्वितीय निम्निष्ट के लिए। इसी तरह एनवे निम्निष्ट के लिए, या साइन इसको थीटा एन लिख देते हैं, एनवे के लिए इसको लिख देते हैं एन लैम्डा अपॉन डी, क्लियर। एक रिलेशन एक इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं कि थीटा के मान अल्प होते हैं, और जब थीटा के मान अल्प होते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, टेन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। ये अंतरिक्ष में हमने काफी बात करी इसके बारे में, थीटा अल्प हो तो थीटा साइन थीटा इज नियर अबाउट इक्वल टू थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी आ जाएगा। समीकरण नंबर एक दे देते हैं, बस इतनी सी बात लिखनी है, देखो कैलकुलेशन यही है इसके अंदर, कैलकुलेशन बस यही है, लेकिन क्वेश्चन आएगा चार नंबर में, तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण आएगा, ये बताना है इसका सिद्धांत पूछ ले, तो सिद्धांत में उच्चिष्ट और निम्निष्ट में क्या होता है वो हमें बताना है, क्लियर, पोजिशन की अकॉर्डिंग इसकी। फिर हमें कुछ निम्निष्ट के लिए सूत्र पूछ लें तो बताना है, ये कह दे सिद्ध कीजिए निम्निष्ट के लिए एनवे निम्निष्ट के लिए थीटा एन बराबर एन लैम्डा अपॉन डी होता है, तो कैलकुलेशन याद रह जाएगी, लेकिन हमें इसके कंसेप्ट थोड़े से अच्छी तरह से क्लियर करने हैं, आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं, ये लिखिए आप, एक बात और रहेगी गौर कर लेते हैं, वो है उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट कौन सा, उच्चिष्ट के लिए ये भी कहा जा सकता है द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, तो कौन सा उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी तो उच्चिष्ट ही है, ये तो फिक्स है केंद्रीय उच्चिष्ट, इसके बाद में क्या आएंगे, आगे क्या आएंगे, आगे के जितने भी उच्चिष्ट आएंगे सबको द्वितीय उच्चिष्ट कहेंगे सबको, लेकिन द्वितीय में भी भाई ये तो केंद्रीय हो गया, इसके अलावा ये द्वितीय उच्चिष्ट है, ठीक है, इसके ऊपर आएगा वो भी द्वितीय उच्चिष्ट है। अब तो द्वितीय में भी अलग अलग हो गया ना, द्वितीय में पहला, द्वितीय में दूसरा, द्वितीय में तीसरा, तो इसको इसको क्या कहेंगे, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट, यही कह सकते हैं द्वितीय, पहले लिख दो प्रथम उच्चिष्ट, इसके बाद निम्निष्ट आएगा फिर उच्चिष्ट आएगा, उसको क्या लिख देंगे, द्वितीय द्वितीय उच्चिष्ट, उसके बाद फिर ऊपर आएगा द्वितीय तृतीय उच्चिष्ट, आगे बात समझ में। या ये कह सकते हो कि पहला ऐसे लिख दो, चाहे वर्गीकरण पे लिखने में पहला द्वितीय उच्चिष्ट, ठीक है, इसको लिख दो दूसरा द्वितीय उच्चिष्ट, उसको लिख दो तीसरा द्वितीय उच्चिष्ट, ये तो ध्यान में रहेगा ना, पहला द्वितीय उच्चिष्ट, दूसरा भी, इसके बाद जितने वो सारे द्वितीय हैं, इसके बाद जो पहला आ रहा है वो पहला द्वितीय, दूसरा आ रहा है वो दूसरा द्वितीय, तीसरा आ रहा है वो तीसरा, नीचे भी इसी तरह से बात चलेगी कंटिन्यू, तो इसको आप ये लिख सकते हो द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, आप इसके द्वितीय उच्चिष्ट के लिए। अब इसमें क्या होगा, द्वितीय उच्चिष्ट के लिए पथांतर ध्यान रखना है, वो पथांतर क्या होगा, 3 लैम्डा बाय 2, कितना 3 लैम्डा बाय 2, तो ये जो भाग है ये तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2,
आगे बात समझ लें, प्रथम दो जो है लैम्डा बाय टू वो विनाशी व्यतिकरण विनाशी की स्थिति उत्पन्न करेंगे, और लेकिन तीसरा जो भाग है वो उसमें दीप्ति उत्पन्न करेंगे। आगे अब अपना इसी डायग्राम से फिर वही लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर वही आ जाएगा, लेकिन पथांतर कितना है, लैम्डा नहीं है, 3 लैम्डा बाय 2 है, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, 5 लैम्डा बाय 2, ठीक है। एन में के लिए क्या आएगा, 1.5 ढाई, तो इसको कैसे लिखेंगे, उसको हम लिख चुके हैं पहले, इसलिए हम बार बार उससे रिलेट कर रहे हैं, उसको लिख चुके हैं 2n+1 × λ/2, तो वो पथांतर होगा इसके लिए 2n+1 × λ/2, तो इसके लिए लिख लो आप इसके अंदर एक दो बातें, जब तरंगों में पथांतर थ्री लैम्डा बाय टू होता है तब यह है 3 भाग λ/2 में विभाजित होता है, जिसमें से 2 भाग विनाशी की स्थिति निर्मित करते हैं जबकि तीसरा λ/2 दीप्ति उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है। अब आगे की बात कोई लिखने आपको, पथांतर पथांतर dn बराबर क्या होगा, 3λ/2, क्लियर। अब अपने इसके अंदर बात रखने चाहो तो ये पूरा लिख दो, चाहे डायरेक्ट लिख दो, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2λ, इसके लिए पहला क्या आएगा, द्वितीय उच्चिष्ट, यदि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/2λ तो क्या आएगा, दूसरा द्वितीय उच्चिष्ट, यदि n में द्वितीय उच्चिष्ट के लिए बात करें तो यह आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 × λ/2। अब वही बात यहां पर भी, इसको थीटा एन लिख देंगे एनवी के लिए, और कोण छोटे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो थीटा एन इज इक्वल टू 2n+1 × λ/2, तो डी रह गया इसके अंदर, यह ना लैम्डा अपॉन डी है, ठीक है, लैम्डा अपॉन डी है, तो यहाँ लैम्डा अपॉन डी भी आएगा, तो ये रह गया, ये ध्यान रखें अपॉन ये भी आएगा, वही है अपने पास डायग्राम, वही है साइन थीटा बराबर क्या आएगा, बी एन अपॉन डी आएगा, लेकिन यहाँ बी एन की जगह बी एन का मान क्या है, ये है अपॉन में डी तो चल ही रहा है, तो वो डी ऐसा कैसा करेगा, तो ये फॉर्मूला अगर डेराइव करने की बात है तो इतना हमें डेराइव करना है, तो कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर ज्यादा, बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको इतनी ही बात इसके अंदर लिखने, बोर्ड एग्जाम में डायग्राम आपको इसका ध्यान इसमें रखना है, किस प्रकार से डायग्राम बनाना है उसमें अपने को गलती नहीं करनी। तीसरा ऐसा ग्राफ पूछ लिया जाता है, इसके लिए वक्र पूछ लेते हैं, इसके वक्र ग्राफ पूछ लेते हैं, इसके लिए ऊर्जा वितरण ग्राफ पूछ लेते हैं, तो ये ऊर्जा वितरण ग्राफ यही है कि यहाँ क्या होगा, इस तरह से यहाँ बढ़ा देता हूं मैं, कि ये तो सबसे केंद्रीय उच्चिष्ट आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, ये निम्निष्ट है, फिर उच्चिष्ट आएगा, फिर निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट, साथ साथ तीव्रता जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता इसमें क्या होती रहेगी, कम भी होती रहेगी,
जैसे प्रकाश आ रहा है ठीक है, और प्रकाश आगे यहाँ गिर रहा है, तो जिस भाग में गिर रहा है वहां तो क्या होगा, तेज प्रकाश होगा, इसके साथ भी यहाँ दिखाई दे रहा है ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, कम होगा उसके आगे और कम होगा, उसके आगे और कम होगा, इसलिए इसके अंदर जो है वो तीव्रता धीरे धीरे क्या होती है, घटते क्रम में होती है। पहले क्या आएगा, उच्चिष्ट आएगा, फिर निम्निष्ट आएगा, ये निम्निष्ट है, ये फिर उच्चिष्ट है, फिर निम्निष्ट है, फिर उच्चिष्ट है, फिर निम्निष्ट है, लेकिन उच्चिष्ट की जो तीव्रता है वो भी धीरे धीरे डाउन होती जाती है ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और ध्यान रखे भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, फिर मैंने शुरू में भी बात की थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण, इसको अच्छी तरह समझ लें, रिवाइज कर लें, नहीं कोई कंफ्यूजन हो बता दें, बाद में फिर दोबारा एक बार शॉर्ट में और डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत है किसी को तो फिर बाकी इसको रिवाइज करें, लिख लें पूरा अच्छी तरह से, बाकी बात फिर बाद में करेंगे।